सबसे पहले मुझे आया है डोंट शेयर दिस टाइप ऑफ ब्ला ब्ला। हाय प्रियंका, कभी मीठा खाने का मन करे तो आप पोहा, अच्छा ये फ्लाइंग विद नम्रता ने किया है कि पोहा लो, उसमें कर्ड डालो और गुड़ डालो और उसको खाओ तो बहुत हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, बट जो मैंने ज्वार वाला बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना था, बट पोहे वाला भी अच्छा लगेगा। प्रियंका ये सब छोड़िए और अपने बारे में आगे सोचिए, ये कमेंट है। तो एक्चुअली इसमें जो मेजोरिटी कमेंट्स है आप लोगों के, प्रियंका मैं वैसे कमेंट को डिस्कस नहीं करना चाहती बट फिर भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली प्रैंक था वो, मुझे बाद में पता चला, मैंने व्लॉग भी बाद में बनाया, मैंने वो वाला वीडियो वो मम्मी के इसमें ही है जब मम्मी मेरे साथ वो प्रैंक कर रहा है, मुझे उसने वीडियो बनाया था, वो मैंने नहीं बनाया था, तो उसने मम्मी के फ़ोन पे वो भेजा। तो रैंडम हम लोग बात कर रहे थे, उसका भी मन ऐसा कुछ नहीं था कि उसने प्लानिंग व्लानिंग करी थी प्रैंक बनाने की, हम रैंडम बात कर रहे थे। एक बात हुई कि मैं ना उसको बोल रही थी दीपू को कि हम ना जैसे यहाँ से जब हम रिटायर होंगे तो चंडीगढ़ वाला घर है बट हम शायद उसको सेल कर देंगे कुछ टाइम पे, या फिर आप समझ लो वो नहीं है इस तरह से समझ लो आप, है ना। तो हम सोच रहे थे कि हम ना हिमाचल में जगह ले अपने मम्मी के घर के आसपास खरीदे, और मैं दीपू को बोल रही थी कि तू ना बात कर ले या फिर जो हमारी जगह है ना उस पर कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि हम उसका ना पैसा दे देंगे या कुछ भी ऐसे डिस्कशन, मैं पूरा नहीं आपको बता सकती हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला ऐसे ऐसे मैंने अपने नाम कर लिया ये वो, है ना, मैं भी उसको फिर ऐसे बोलूँ, है ना। सबसे पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे रोना आया, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ें क्या एग्जैक्ट क्या आया, मैं वो जो मैंने बताना था जितना मुझे लगा वो मैंने उस ब्लॉग में बताया, बाकी मैंने नहीं बताया। एक्चुअली मैंने मांगा नहीं है कुछ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एक चीज़ है और हम तीन बच्चे हैं तो तीनों में बराबर होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला और ना ही मैं ये कभी इस चीज़ में विश्वास करती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे तो मेरी जो मेरे फादर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी थी मेरे दादाजी की परदादाजी की, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्रियंका प्रीति प्रीति का नाम वैसे प्रीति नहीं है वहाँ पे कुछ और है, प्रियंका प्रीति दीपक मम्मी के नाम पे वो चढ़ गई, वो फर्दे होती है ना जो सही बोल रही गलत बोल रही, तो उस पर वो हम लोग के नाम पे चढ़ गई जगह, है ना। मैंने ये नहीं कि मांगा लड़ाई की, मतलब हम लोग कभी इस बात डिस्कस भी नहीं कभी करते ये वाली चीज़ ना। एक बार दीपू ने ट्रैक्टर के लिए लोन लेना था प्रॉपर्टी लोन, तब दीप्रीति के ससुराल गया था तो फिर वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कराए थे, तो वो आप तो व्लॉग देख ही सकते हो, है ना। फिर उसके बाद मेरे से भी कराए थे तो उसका भी शायद व्लॉग है ना। ये सब बातें सब चल रही थी, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मम्मी का जो भी है या कोई भी कुछ है मुझे मेरे को मेरा हिस्सा भी, ये नहीं मैंने बोला है। एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली हम लोग के नाम पे है, मैंने कुछ करा नहीं है और ना ही मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे कर रहा, उसने मुझे बोला कि मैंने तो अपने नाम पर सब करवा लिया है ऐसा वैसा, तो मुझे ये थोड़ा सा ऐसे लगा कि पता नहीं शायद सच बोल रहा है कुछ ऐसा, तो मुझे भरोसा यार उसके ऊपर, बट उसने जिस तरीके से बोला ना मुझे लगा शायद सच्ची, मैं कहा यार सिग्नेचर तो हुए थे और उस टाइम मैंने पढ़ा भी था वो अच्छे से, बट मेरे दिमाग में लगा कि शायद कुछ ऐसा हो गया है, तो एकदम से रोने लग पड़ी यार मेरा तो फिर अगर मेरे नाम पे एंसेस्टर की जगह ही नहीं होगी तो मैं हिमाचल में कुछ नहीं खरीद सकती। जैसे मेरे इन लॉज की हिमाचल में जगह है ना, तो उनका घर हिमाचल में शॉप है, तो उन्होंने पापा और इनके किसी के भी नाम वो जगह नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास एंसेस्टर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनकी जगह मेरे नाम हो सकती थी, बट वो चलो उनका अपना पर्सनल मैटर है ना। तो अगर मेरे नाम पे कोई पुश्तैनी जगह नहीं होगी, ऐसे हिमाचल का रूल है, तो मैं हिमाचल में कहीं जगह नहीं ले सकती, ना शिमला में ना सोलन में ना कुछ, और यार मैं कहीं भी रहूँ मुझे अपनी जड़ों के साथ रहना है, मतलब अंत का जो मेरा समय होता है हर कोई अपनी तरफ भागता है, है ना, अपने आपके यहाँ पे अपने लोग होते हैं। ये टॉपिक थी। दूसरी बात ये थी कि तुम अगर हिस्सा मांग रही हो तो अपने ससुराल में जाके मांगो ऐसा वैसा, आपको क्या मैंने बता के मांगना है, मतलब मांगने का क्या है, मेरे फादर इन लॉ ने जैसे जो उनके बड़े बेटे हैं वो दूसरी साइड चले जाएंगे, उनका 2 मंजिला जो कोठी है वो रेडी हो गई ऑलमोस्ट, वो दूसरी साइड चले जाएंगे, तो जो वो वाला घर है वो हम लोग अपने हिसाब से उसको तैयार वगैरह कराएंगे, है ना। और इसमें लालच वाली बात तो कुछ भी नहीं होगी, और अगर कोई लड़की सपोज मैंने मांगा नहीं है, अगर कोई मांगती भी है ना, वैसे तो कोई लड़की मांगती नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चे जैसे तीन बच्चे आपके आप ही तो बोलते हैं ना लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, है ना। लेकिन हमारे वहाँ पे ये कि चलो लड़की की शादी हो जाती है तो लड़कियाँ यूजली अपनी जो सारी उनका होता है ना वो अपने भाइयों के नाम करके जाती है, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन फिर कानूनी तौर पर तो कुछ चीज़ें और होती है ना, और मैंने कुछ मांगा नहीं है यार,
और जो मतलब निहारे नाम पे है ना, उसकी वैल्यू मैं बताऊँ आपको क्या होगी। इससे मुझे इतनी ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू होगी जो मेरे मेरे से मैं गई थी उसमें। आप तीन, ये जो ब्लू स्टार के एसी देख रहे हो ना, तीन 5-star AC या 4 5-star AC आप खरीद सकते, ये वैल्यू है। तो मैं इस वैल्यू के लिए लालच दिखाऊंगी, वो भी इतने समय के बाद, है ना। ऐसा ऐसी चीज़ नहीं है, मेरा भाई है वो, है ना। मतलब मैंने वो मेरा किसी मतलब अभी रिसेंटली रिटायरमेंट पे भी एक डिस्कशन हुआ था मम्मी के, मम्मी कह रही नहीं ऐसे ऐसे, मैं कहा नहीं यार, मतलब मेरे को किसी से ऐसे कुछ वो नहीं चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप लोग ना मत सोचा करो, मुझे शायद उस व्लॉग में क्लियर करना चाहिए। और अभी मैं आपका कुछ और कमेंट्स है तो उसको भी ले लेती हूँ। आज हम कमेंट्स डे बना लेते हैं, और मेरे पास ना एक ही फ़ोन है इससे जिससे मैं शूट कर रही हूँ, तो मुझे अगर कमेंट्स रीड करने होते ना, इसलिए रीड नहीं कर पाती। तो मैं यार, हद है मायके की प्रॉपर्टी पर उसका ही हक है, मेरा भी भाई है, उसके नाम ही करूंगी हैप्पीली। मतलब पता नहीं है लोग ज़्यादा ही सीरियस लेंगे। प्रियंका कभी कभी, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया, अगर आप लालची हो ऐसे अपने भाई का हिस्सा कैसे मांग सकते हो। मेरे भाई का हिस्सा नहीं मांगा यार, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, वो ऑटोमेटिकली हम लोग के नाम पे ऑटोमेटिकली। मतलब मैंने कैसे समझाऊँ यार, मैं क्या है, जब लोग कमेंट कर रहे हैं सब कुछ दीपक का है तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। हम लोगों की जो चीज़ें हैं ना वो मतलब बहुत क्लियर कट है। सो हिमाचल चली जाओ दी, वहाँ पे फैन भी ऑन नहीं हो रहा, चीप यू आर, डोंट डिस्कस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हाँ चाहे तो डिस्कस भी ना करें, बट चाहे तो डिस्कस भी कर सकते, इट्स नॉट ए बिग डील। अगर कोई लड़की अगर लेती भी है तो कानून ने उसको हक दिया है ना, अगर कोई कानून बना है तो किसी वजह से तो बना होगा ना। ये तो चलो ठीक है, एक बना है कि चलो शादी होगी तो लड़की, लेकिन अगर कानून बना हुआ है, माँ बाप की कोई भी प्रॉपर्टी है मेरे सास ससुर की, तो जैसे दो भाई हैं तो दोनों का बराबर इक्वली हक है। हाँ अपनी मर्जी से कोई कुछ कर रहा है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, लाइक ये कम्प्लीटली मेरे ऊपर है। जो भी उस सिचुएशन में है, ये मेरा भाई इस सिचुएशन में, कोई भी, वो कम्प्लीटली उसके ऊपर है। और रही बात उसकी कि मेरे मन में लालच है, लालच होता तो शायद हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं होता शायद, अगर मैं लालची होती। और मैं लालची नहीं हूँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, है ना, कि मैं नहीं लालची हूँ। तो शायद लोग मुझे ऐसे बोलते भी हैं कई कि बस मायका 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 मायका, बस ये, बस सास 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 सास, ऐसे भी बोलते हैं कि मैं लालची नहीं हूँ, इसको मैं प्रूव करने पे आऊँ, बट मुझे करना नहीं है किसी के लिए भी। तो ये चीज़ थोड़ी सी बोलनी थी। अभी हम आगे आपके कमेंट्स हैं उसको पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे ऊपर ये है कि ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हाँ वो सब दीपक का ही है, आप कुछ लेना देना नहीं है शादी के बाद मायके से, आप सिर्फ अपने ससुराल से अपना हक मांगो, मायके में सब कुछ दीपक और उसकी वाइफ का है। तो मैं कब बोल रही हूँ सब कुछ यार, उनका ही तो है ना। टचवुड, हमारी जो भाभी है आंचल, उससे चोटियाँ आंचल ही बोलती, वो शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो। मैंने कब कहा, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, कभी मेरे उससे बात भी हो ना, मैं कभी कुछ चीज़ नहीं बोलती हूँ। बहुत शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो, मतलब मेरे से तो इतनी छोटी है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी है वो, उनका ही सब कुछ है, मैंने नहीं इसमें से कुछ भी किया है। मैं तो कभी किसी को ये भी नहीं बोलती कि मैं आ रही हूँ, मेरे लिए ये करो वो करो कुछ, मतलब मैं अपने भाई को फिर थोड़ा बोल सकती हूँ, मेरे को ये कहूँ, मतलब मैं उनसे, वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है उस तरह से। कभी मेरे से पूछे ना कि दीदी ये करना ये नहीं करना, मैं सुनती यू आर कम्प्लीटली फ्री, जो तुम करना चाहती हो जिस तरीके से करना चाहती हो, उसका घर है, जिस तरीके से सजाना है करना है वो, शी इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। जैसी ज़िंदगी भगवान से मैं मांगती हूँ, हर लड़की को होती है ना, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं तो यू यू तुम्हारी बहुत अच्छी ज़िंदगी, तो मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ से भी बहुत बेहतर लाइफ उसकी है, पहले भी उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब उसकी जो मम्मी पापा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम उसकी विदाई की बात कर रहे थे, आंचल की विदाई, तो अंकल रो रहे थे, उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, भगवान जी माता रानी बाबा जी उसको बहुत अच्छी, उनको बहुत अच्छी तरक्की दे, मेरे मायके परिवार को बहुत खुश रखे, सबके परिवार को बहुत खुश रखे भगवान जी, है ना। और मैं क्या बोल सकती हूँ यार इससे ज्यादा।
और इतनी टेंशन मत लो, इतनी ही मेरे नाम पे है कि मैं 3 या 4 एसी उसमें आ जाएंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक मे बी शायद मेरे को कम नॉलेज हो, क्योंकि हमारी वहाँ पे ना एक्चुअली बस बस नहीं आती, तो वो जो हमारा जो गांव है वो इतना डेवलप नहीं है, फिर भी अच्छा है, अच्छा है, बट वहाँ पे जो वैल्यू है ना जगह की वो बिल्कुल बहुत बहुत कम वैल्यू है। बट हो सकता है आने वाले टाइम में वो 10-15-20 सालों में, बट वो ऐसे सब बोलते होते थे कि नहीं हो जाएगा, बट आज तक कभी वहाँ की जगह की वैल्यू नहीं हुई है। बट मुझे अटैचमेंट है कि मेरे परदादा वगैरह ने करके गए हैं मेरे नाम, है ना, बट वो मतलब बच्चों के नाम होती है, तो मैं मेरे उस जगह से अटैचमेंट है। मैं चाहे आपको क्या पता, मैं चाहे पैसे दे के वो जगह लूँ किसी से, है ना, और ये भी नहीं कि मैं यूट्यूब पे अच्छी बन रही हूँ, आपको पता है मैं बहुत मुँहफट टाइप लड़की हूँ है ना। सो प्लीज़ यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो। और देखो अगर कोई लड़की लेती भी है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, ये नहीं लेती है वो उनकी अपनी इच्छा है अपनी अपनी सबकी। और अगला कमेंट हम लेते हैं जो कि है 2007 से हस्बैंड के सपने देखने शुरू कर दिए, अब रोना किस बात का। क्या ही आपको जवाब दिया, अगर एक जगह से कट जाता है तो दूसरी जगह जुड़ जाता है। हाँ ये तो है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी का जुड़ता है, और सभी को ससुराल से जुड़ना चाहिए, मायके के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं क्या ही बोलूँ यार, आपकी मम्मी से पूछो कि उन्होंने अपने मायके से हिस्सा लिया या नहीं। नहीं उन्होंने नहीं लिया, मेरी मम्मी बता रहे थे कि हम लोग की शादी से पहले हम लोग ना कोर्ट गए थे, तो वहाँ पे मम्मी वगैरह से मतलब पूछा गया था कि आपके भाइयों के नाम सब आप करना चाहते हैं, कल को आपके भाई आपको देखे ना देखे आप करना चाहते हो कि नहीं, मैंने बोला नहीं हम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से करना है। तो उनका कोर्ट में जाके होता, हम लोगों का भी ऐसा ही प्रोसीजर होगा, बट अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं है। तो ये सोच मैंने कहा यार कोर्ट वोट तो हम गए नहीं, फिर ऐसे कैसे हो गया। तो ये सब मेरे दिमाग में आ रही थी, ये गलत है, वो सब दीपक का है, खुशी खुशी आप सबको दीपक को देना चाहिए। मैंने पहले एक कमेंट पढ़ लिया है, कुछ ज़्यादा ही एडवांस बनती है अपने आप को। अच्छा जी, ऐसा कुछ एडवांस तो मैं नहीं बन रही हूँ। दीपक ने प्रैंक बोल भी दिया तो आपको ये काम अगर नहीं हुआ तो कर दो जल्द से जल्द, अपने मायके की प्रॉपर्टी दीपक के नाम करवा देनी चाहिए। क्या पता हम क्या सोच रहे हैं, आपको नहीं ना पता जब सोचेंगे करेंगे या फिर कुछ भी हमने क्या सोच के रखा है। ये तो मतलब आप सब आप अब सुनो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए, यही बात। अगर तुमने इतना ही हिमाचल में प्रॉपर्टी लेनी है तो अभी उस बेस पे छोटी सी प्रॉपर्टी में, यही एग्जैक्टली बात कर रही थी, कोई ना वहाँ पे ना बेच रहे हैं हिमाचल में ही वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सस्ती जगह आप ले सकते हो अभी के टाइम। आने वाले मुझे नहीं पता 15-20 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर ले लेंगे तो शायद पर मुझे ना एग्जैक्टली इतनी नॉलेज नहीं है, बट ये मुझे पक्का पता, अगर आपके नाम पे इंसेस्टर का प्रॉपर्टी है तब आप हिमाचल में पूरे हिमाचल में कहीं भी जगह ले सकते हैं। हमारे यहाँ मायके से हिस्सा नहीं लिया जाता, बस ससुराल की प्रॉपर्टी ही अधिकार होता है, मायके का भी और उनके बच्चों का। हाँ जी ऐसा ही होता है, हमारे इधर भी ऐसे होता है। डोंट शेयर दीज काइंड ऑफ डेलिकेट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक यू आर राइट, दैट्स वाई पीपल नो योर वीकनेस एंड गिव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स दैट इम्पैक्ट योर फैमिली रिलेशनशिप्स, आई थिंक यू आर राइट। यार तुम्हारे पास कोई और चीज़ नहीं थी आज डिस्कस करने के लिए, पर ही तुमने बताया था कि तुम्हारा घर बन रहा है हिमाचल में, वो कहाँ गया। हिमाचल में हम लोगों ने सोलन साइड लेने का सोचा था, लेना भी था बट कुछ ऐसा हुआ बीच में कि ड्रॉप हो गया वो आइडिया। प्रियंका जी आपकी ये बात और रोना आपको नेगेटिव दिखा रहा है, आपको वहाँ का लालच है, ये सब मत बोलो करो सोशल मीडिया पे। मैं कैसे अब मैं आपको कैसे बताऊं यार कि वाई यू बिहेव लाइक दिस। अभी माँ है तुम सबकी, सब उनका है, फिर उनकी। मेरी मम्मी का कुछ भी नहीं मांगा यार, मतलब क्या सेक्स कर। आप लालची हो, ऐसे अपने भाई से हिस्सा कैसे मांग सकती हो। प्रिया जब भाई की शादी हो जाती है तो सब बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाई से ज़्यादा हमारी आंचल से बनती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं, अपने तरीके से वो बहुत अच्छी है, हमारा उससे ज़्यादा प्यार है ना, और
आप लोग टेंशन मत लो, सब उनका ही है, मेरी भाभी का, भैया का, सब उनका है। हम लोग प्यार से रहना चाहते हैं सब मिलजुल के। एंड जो लोग कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ दीपक का है तो कैसे दीपक का है, सब जमीन इनके ऐसे ऐसे है, हमारे हक में ही कमेंट है, बट मैं इसको नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी सब चीज़ें समझती हूँ, मैं भी घर की बड़ी हूँ, और आपको क्या पता, क्या पता इससे ज़्यादा हम लोग करें अपने भाई को, है ना। आपको नहीं ना पता क्या अब तक करा हो या नहीं करा हो, ये भी नहीं पता आपको, है ना। ये मैं डिस्कस भी नहीं करूँगी कभी भी नहीं, क्योंकि अच्छा ये कमेंट भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, चाहे हमारे फेवर में ही है। कभी हाय प्रियंका, अच्छा ये वाला, चलो ये तो मैंने पढ़ लिया, बस इतना सा ही मुझे बोलना था। आई थिंक यू आर एंक्शियस ऑफ प्रैंक, नो वरीज, योर ब्रदर इज गुड ह्यूमन। वो बहुत अच्छा है, पर मैं सोच रही यार 3 साल पहले ये सब चीज़ें हो चुकी है, मतलब ऐसा है, मेरे को लगा क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ अपने भाई बहनों को लेकर, कोई भी रिश्ता है ना मैं उसके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मुझे लगा कि हाँ यार मेरे साथ धोखा हो, कैसे हो गया, मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कभी होती भी है ना, तो मैं अपना अपना कुछ भी होता है ना, मैं वो उनको देने को तैयार हूँ। मैं अगर आप सोचो कि मैं ना एक फुल्का खा रही हूँ, है ना, बाकी को सब सब दे दिया है ना, तो अगर बोलेंगे ना कि तुझे उसमें से एक बुर्की खानी है, तो मैं एक बुर्की खा के बाकी सब उनको देने को तैयार हूँ। मैं ऐसा नेचर नहीं है मेरा, मुझे लगता है कैसे कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बोल के समझ में आती हैं लोगों को, तो मैं वो सब देने को भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, ये मुझे लगा। घर के ऊपर एक और फ्लोर बना के वहीं तुम भी डेरा डाल लो, वैसे भी इंडिपेंडेंट तो आप लोग हो ही। ऐसी सोच के लोग कुछ नहीं कर सकते यार, हद है, ठीक है जी, हद ही है। एनीवेज आई डोंट वांट टू डिस्कस ज़्यादा, अब मुझे डिस्कस नहीं करना, दैट्स इट फॉर टुडे। आज वैसे हो गया था, आज वाला व्लॉग बन चुका था, और फिर से मेरे को बनाना पड़ा, बोलना पड़ा, क्योंकि मैंने वो, मेरी गलती है कि मुझे वो चीज़ बोल देनी चाहिए थी, मैंने पहले एक बार ये चीज़ सब बोली हुई है। और बाकी मैं किसी चीज़ पर अपना हक नहीं रखती हूँ भैया, मेरी ज़िंदगी में मैं ही हूँ, है ना, मेरे कोई आगे पीछे इतना तो नहीं है कि जिसके लिए मैं लालच करूँगी। तो मैं अपनी चीज़ भी देने को वो हो जाती हूँ, लेकिन जब कोई, मतलब मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, अगर मुझे कभी लगे, ऐसा है नहीं वैसे, अगर लगे तो ये चीज़, मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती शायद, क्योंकि देखो प्यार से चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। एंड अगर ऐसा कुछ, मतलब उसने जिस ढंग से बोला ना और प्रूव भी किया, तो अगर कोई ऐसे बोला तो लगता है यार ऐसा कैसे हो गया, वो 3 साल पहले, तो ये सब हो गया गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर इस बात को आगे खींचना है तो खींचो, क्योंकि आप मेरी, मेरा कंट्रोल मेरे माइंड पे है, मेरे शब्दों पे है, मेरी सोच पे है, जो मेरे में आया मैंने बताया, और मैं बहुत क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट हूँ, ऑनेस्ट हूँ किसी भी काम को, अपने काम को लेके, अपने रिश्ते को लेके, अपने नियम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, मुझे ज़्यादा वो करने, हाँ पर मैं प्रैंक जरूर कर रही, दीपू ने करा ना, ऐसे मैं प्रैंक कर लेती हूँ, वो गलत नहीं है, वो ठीक है यार, मेरे मेरे भाई भाभी जैसा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और होगा, है ना। बोलते तो हैं लेकिन जितना हम सोचते भी नहीं उतना वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और उसने जैसे घर को मैनेज किया, सब चीज़ें वो करती